आज हम आपको बताएंगे कि पल भर का सत्संग किस प्रकार इंसान के जीवन को बदल देता है। सत्संग क्या है? जहां सत्य यानी कि सत्य, संग मीन्स संगति, जब सत्य बोलने वाले, सत्य समझने वाले, सत्य लिखने वाले, सत्य पढ़ने वाले लोग मौजूद हो, उनके बीच चर्चा हो या व्याख्यान हो जिसे हम सुने और सुनकर उसी रूप में अंगीकार करें, उसे हम अपने आप पर लागू करें, तब हम यह कहेंगे कि हमने सत्संग किया, सत्संग सुना। सवाल है यहां कि क्या सत्संग में हम केवल संतों की वाणी, सत्य के बारे में जो बोलता है उसे सुनने के लिए इकट्ठा होना वही सत्संग है? नहीं। यदि हम ऐसे ग्रंथों का अध्ययन करते हैं जिनमें सत्य के बारे में बताया गया है, सत्य कथन दिए गए हैं, जो अपने आप में पूर्णतया सत्य है, जैसे यदि हम वेदाध्ययन करते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं, तो माना जाता है स्वयं भगवान के द्वारा वेदों की रचना की गई है और उनमें एक एक वर्ण, एक एक अक्षर अपने आप में एक मंत्र है, अपने आप में एक सत्य की परिभाषा है। तो यदि हम ऐसे ग्रंथों का अध्ययन करें जिसे जब हम स्वयं अध्ययन करते हैं उसे स्वाध्याय कहते हैं, यह भी अपने आप में एक सत्संग होता है। बस ध्यान यह रखना है कि हमें जो हमने अध्ययन किया है वेदों से, पुराणों से, उपनिषदों से, जिन सत्य के बारे में हमने जानकारी ली है, उसे हम अपने जीवन में अपनाए, तभी वह सत्संग है, अन्यथा नहीं। सत्संग पल भर का भी, कई कई दिनों की तपस्या से भारी पड़ता है, यानी कि इंपॉर्टेंट होता है, उसका ज्यादा महत्व होता है। वह इंसान की दीन दुनिया बदल सकता है, बदल देता है। आज मैं इसी के संबंध में एक बहुत लघु कथा के रूप में बात बताऊंगा, जिसमें हमें यह समझाया गया है, बताने की कोशिश की गई है, नसीहत दी गई है कि सत्संग का महत्व क्या है, सत्संग क्यों किया जाना चाहिए। मैं आपको फिर याद दिला देता हूं, आपको वीडियो पूरा देखना है, सुनना है, यदि संभव हो तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को शेयर करें। चलो हम अपने मुद्दे की बात पर आते हैं। एक लघु कथा के माध्यम से मैं आपको सत्संग का महत्व, कि सत्संग किस तरह से, सत्संग की बातें किस तरह से एक इंसान के जीवन को बदल देती है। एक समय की बात है,
एक चोर पिता डेथ बेड पर था, मृत्यु सैया पर था, उसका बेटा जो हमेशा अपने पिता के संग रहकर चोरियां करता था उपस्थित था। मरते हुए पिता ने कहा, बेटा मेरी बात ध्यान रखना, क्या कि कभी सत्संग में नहीं जाना। क्या कहा? कभी सत्संग में नहीं जाना और ना कभी सत्संग की बातें सुनना। यह कहकर पिता परलोक सिधार गए। दिन निकलते गए, छोटी मोटी वो चोरियां करता रहा। एक बार उसके जहन में आया, ख्याल में आया कि क्यों नहीं मैं एक बहुत बड़ी चोरी करूं और पूरी जिंदगी आराम से बैठकर बसर करूं। यह सोचकर पड़ोस के गांव के राजा के यहां उसने चोरी करने की योजना बनाई, एक प्लान बनाया और वह अच्छा समय देखकर चोरी करने के लिए रात के समय रवाना हो गया। जब वह राजा के महल की तरफ चोरी करने के लिए जा रहा था नंगे, और उस समय पैदल था वो, आज की जैसे कार में या ट्रक में या मोटरसाइकिल पर बैठकर चोर उस समय नहीं आया करते थे, जैसे आज होती है चोरियां, पैदल ही चोर चला करते थे, कई कई कोस, कई कई मील्स वो पैदल चल गया करते थे। वो पैदल चल रहा था, अचानक उसे सत्संग की आवाज आई कि कोई महापुरुष, कोई संत पुरुष व्याख्यान दे रहा है, सत के बारे में बता रहा है। उसको अपने पिता की बात याद आ गई, क्या कि सत्संग में जाना नहीं, सत्संग को सुनना नहीं, इसलिए उसने अपने दोनों कानों में इस तरह से अंगुलियां लगाई ताकि सत्संग की आवाज उस तक नहीं पहुंच सके। परंतु होनी को कौन टाल सकता है? होनी को कोई नहीं टाल सकता। अचानक उसके पांव में एक बड़ा कांटा, जिसे सूल कहते हैं, वो चुभ गया और इस कदर चुभा कि उसके लिए उसको एक हाथ कान में से निकालकर और उसे निकालना ही पड़ेगा। कहने का मतलब, कांटा निकालने के लिए उसे एक या दोनों कानों में से अपने हाथ निकालकर वो कांटा निकालना पड़ेगा, तभी वो आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो आगे चल ही नहीं पाएगा। और उसने अपना एक हाथ, जो एक कान पर रखा हुआ, चाहे वो ये वाला हो या ये वाला हो, एक हाथ निकाला, झुका या बैठा, कांटे को निकाला। देखिए, इसमें कुछ तो समय लगा होगा ना, उस दरमियान सत्संग से आवाज आ रही थी। क्या आवाज आ रही थी? पहली आवाज आ रही थी कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती, और दूसरा वचन यह सुनाई दे रहा था, सांच को आंच नहीं। देखिए, अंगुली का निकालना, अंगुली का कांटा निकालने के लिए पांव तक जाना,
इस दरमियान कानों में सत्संग की आवाज का जाना कि देवताओं की परछाई नहीं होती और सांच को आंच नहीं होती, यह उसको सुनाई दिया और उसने तुरंत कांटा निकाल कर वापस दोनों अंगुलियां अपने कानों में ठूंस ली। राजा के किले में चला गया, राजा के महल से खूब धन चुराया, बहुत अच्छा समय मिला उसे, कोई पहरी उसे देख नहीं पाया, पकड़ नहीं पाया। धन इतना था कि उसे एक ऊंट की आवश्यकता पड़ी। उस जमाने में या तो ऊंट होते थे, घोड़े होते थे, हाथी होते थे। उसने राजा के महल से ही एक ऊंट चुराया और उस ऊंट पर धन लादकर और वो फरार हो गया। जब भोर हुई यानी कि मॉर्निंग, सुबह हुई और मालूम हुआ कि महल में चोरी हो गई है, पूरा तहलका मच गया कि इतने पहरेदार होते हुए और महल में चोरी, क्या किया। सेनापति को बुलाया गया, जाओ इधर जाओ, इस दिशा में जाओ, उस दिशा में जाओ, चोर को कैसे भी जिंदा मुर्दा पकड़ के लेकर आओ। वो बड़ा होशियार चोर था। सेनापति ने अपनी पूरी ताकत लगाई, अंततो गत्वा कहीं पर भी वह चोर को ढूंढ नहीं पाया। एक दिन, दो दिन, सप्ताह भर हो गया, लेकिन चोर को वह ढूंढ नहीं पाया। अब आप देखिए कि चोर अपने घर गया, घर जाकर उसने खजाना जो लूट कर लेकर आया था महल से, जो धन लूट कर लेकर आया था, उसे छुपाया। अब ऊंट को कैसे छुपाए भाई, ऊंट कोई इतनी सी वस्तु थोड़ी है कि उसको आपने किसी ताले वाले बॉक्स में रख दिया। उसने ऊंट को काट डाला, छोटे छोटे टुकड़े कर डाले और मकान के पिछवाड़े, खुद के मकान के पिछवाड़े, जो नोहरा यानी कि खाली जगह जिसके बाउंड्री होती है गांव में, उसको नोहरा कहते हैं या बाड़ा कहते हैं, उसमें खड्डा खोदकर उसे गाड़ दिया और अपनी पत्नी से कह दिया कि भाई देखो, ये राजा का ऊंट था और उस ऊंट को भी क्यों मारा है, उसका कारण था कि महल की मुहर गुदी हुई थी उसके शरीर पर, अगर वो सुबह किसी को दिखाई दे जाता तो वो चोर वैसे ही पकड़ में आ जाता, गांव वाले ही बता देते। तो यह बात उसने अपनी पत्नी को बताई और कहा कि भूल कर भी किसी से कुछ मत कह देना, नहीं राजा के सिपाही आएंगे और मुझे और मेरे साथ तुम्हें और पूरे परिवार को ले जाएंगे, हो सकता है कि फांसी की सजा हो जाए। अब अपन चोरी कहीं पर भी कुछ भी नहीं करेंगे, अपने पास में खूब धन आ गया। पत्नी समझ गई, भोली भाली थी, समझ गई वो कि भाई कि मुझे किसी को भी कुछ भी नहीं बताना है, इवन यहां तक कि ऊंट पीछे काट कर गाड़ा गया उसको भी नहीं बताना है। चलो साहब, समय निकलता गया। उधर राजा ने जब ये सुना और उनके सेनापति ने आकर कहा कि चोर पकड़ में नहीं आया, तो भाई साहब राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया, ऐलान करवा दिया। क्या ऐलान करवाया कि जो उस चोर को पकड़कर लाएगा, ध्यान से सुनिए, जो उस चोर को जिंदा पकड़कर लाएगा मैं उसे आधा राज्य दूंगा, एक बात, और दूसरी बात मैं अपनी बेटी यानी कि राजकुमारी की शादी विवाह भी उसी से कर दूंगा। दो बातों का ऐलान करवाया उसने। गांव गांव ये ढिंढोरा पीटा जा रहा था, ऐलान हो रहा था।
तो जो एक गुप्तचरनी थी राजा की, उसने जाकर महाराज से कहा कि महाराज मैं उसका पता लगा कर आऊंगी। महाराज ने कहा बहुत अच्छी बात है, आप जाइएगा। गुप्तचरनी गई और वो गांव गांव घर घर जाती रही। और आप देखिए वो कितनी बुद्धिमान थी गुप्तचरनी, बजाय खजाना पूछने के, बजाय चोर की बात पूछने के, उसे जब ये मालूम हो गया कि महल से एक ऊंट भी लापता हुआ है यानी कि चोरी हो गया है, तो उसने घर घर जाकर कहा मेरा बेटा बहुत बीमार है, हकीम साहब ने या वेद जी ने या डॉक्टर साहब ने कहा है कि अगर मैं इतना सा ऊंट का मांस खिला दूं उसे तो वो ठीक हो जाएगा, आपके यहां अगर हो तो मुझे दे दीजिएगा। अब आप बताइए इतना बड़ा ऊंट और इतना सा मीट, उसका फ्लेश मांस कहां से आएगा? भला जिसके कुछ भी नहीं हो या जो ऊंट मारता नहीं काटता नहीं वो भला कहां से देगा उसको? लोगों ने इनकार किया, आगे बढ़ती गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं आए हारी। और वो एक दिन उस चोर के घर पर भी दिन में पहुंच गई और उसकी पत्नी अकेली थी चोर की, कहा मैया मेरा बेटा मरणशील स्थिति में है, वैद्य जी ने कहा है कि अगर इतना सा ऊंट का मांस मिल जाए और दवा के रूप में उसे खिला दिया जाए तो वह जीवित हो जाएगा, उसकी बीमारी दूर हो जाएगी, बेटा यदि हो तो मुझे दे दो। उसे अपने पत्नी की पति की बात याद आ गई कि भाई किसी को नहीं बताना कि अपन ने ऊंट मारकर पीछे गाड़ा हुआ है। उसने कहा भाई नहीं, हमारे टोकरी मां हमारे पास में कोई ऊंट का मांस नहीं है। वो बेचारी जो बुढ़िया थी, जो गुप्तचरणी थी, रोती बिलखती जाने लग गई। तो चोर की पत्नी को एकदम से दया आ गई, उसने सोचा यार ये डोकरी क्या पता बताएगी राजा को जाकर, ये तो वैसे ही औरत है, अगर इसका बच्चा इतना सा मांस खाने से ठीक हो रहा है तो अपने तो पूरा का पूरा ऊंट गाड़ा हुआ है। उसने जाते हुए उसे रोका, मां रुक जाए एक बार। डोकरी को यानी कि गुप्तचरनी को भी थोड़ा सा राहत मिली, शायद मैं अब सही जगह आ गई हूं कि हां बेटा मां रुकना दो मिनट में आई। और वो पिछवाड़े बाड़े में गई, थोड़ा सा खड्डा खोदा, वहां से ऊंट का मांस लेकर आई और डोकरी को कहा मां ये ऊंट का मांस है, लेकिन आप किसी से कहना मत कि मेरे घर से लेकर आए, शीली सपूती हो, सुहागन हो और तुम्हारे वंश चले, और इस प्रकार की ना मालूम कितनी दुआएं देती हुई वो वहां से बड़ी खुशी खुशी चली गई और दिल में एक धाड़स हो गया, तसल्ली हो गई कि अरे वाह चोर के घर का पता चल गया है, मैं राजा को बताऊंगी, आधा राज्य तो मुझे मिल ही जाएगा। अब लेकिन उसके दिमाग में आया कि मैं आधी अधूरी बात से तो कोई मतलब नहीं निकलता है कि मैं खाली इतना ही पता बताऊं, मैं तो ये भी क्यों नहीं मालूम कर लूं कि वो खजाना उसने छुपाया कहां है। तो वो राजा और प्रसन्न होंगे, मुझे ज्यादा इनाम देंगे। यह सोचकर वो रात के अंधेरे में एक पशु पर बैठकर, जैसे मान लो भैंसा है उस पर बैठकर देवी माता का रूप धारण करके आई और उस आदमी का नाम पड़ोस से मालूम कर लिया था कि बेटा तू सो रहा है कि जाग रहा है। बस उस आदमी को नींद आने वाली थी, उसने सोचा यार किसकी आवाज आई। उसने उठकर देखा तो चार भुजा और वही बाल उसी प्रकार से, वही रौनक और सब
जो स्वांग रचा जाता है देवी माता का, उस तरह से पूरी देवी माता बनी हुई थी कि बेटा तू सो रहा है कि जाग रहा है, कि हे मातेश्वरी, उसने हाथ जोड़े, हे मातेश्वरी मैं जग रहा हूं, अहो भाग्य मेरे कि आपके दर्शन हो गए, कि बेटा हम तुमसे खुश नहीं है, बहुत ना खुश है, क्यों मातेश्वरी बताओ मैं इसे क्या भूल गई, क्यों भूल नहीं, बहुत बड़ी भूल हो गई, क्या हो गई माता, बेटा तेने इतनी बड़ी चोरी करी और मेरे दरबार में अभी तक तुमने कुछ भी नहीं चढ़ावा चढ़ाया, ओ माता भूल गया मैं कल सुबह होते ही आपको चढ़ावा चढ़ा दूंगा, घर पर ही रखा हुआ है सब कुछ, ठीक है बेटा भूलना नहीं, सुबह याद करके मेरे दरबार में आना चढ़ावा चढ़ाना। ये कहकर वो जैसे ही जाने लग गई तो उस चोर को ख्याल आया, यार जब मैं कांटा निकाल रहा था तो सत्संग से आवाज आई थी मेरे को कि देवताओं की परछाई नहीं होती है। उसने तुरंत वो लेटते लेटते पलंग पर वापस उठा और देखा, देखे तो परछाई थी, जो पशु था उसकी भी परछाई दिखाई दी, उसके ऊपर माता का रूप धारण कर रखा था उसकी भी परछाई दिखाई दी। वो समझ गया कि हो ना हो ये कोई जासूस महिला थी और इसने सारा अता पता मेरा बता ले लिया है, अब राजा के सिपाही मुझे छोड़ेंगे नहीं और राजा मुझे सूली पर चढ़ा देगा। तब उसने दिमाग में सोचा, यार सत्संग की जब ये बात सच्ची है कि देवताओं की परछाई नहीं, तो दूसरी बात भी सच्ची हो सकती है, क्या कि सांच को आंच नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं इस जासूस औरत के पहले महल में चला जाऊं मैं और राजा को मैं सब कुछ बता दूं सच्ची सच्ची, हो सकता है कि मुझे सूली पर ना चढ़ाए वो। और इस तरह से वो वहां से उसी समय रवाना हुआ और राजा के महल में पहुंच गया। दिन होते होते फरियाद है फरियाद है। राजा ने पूछा, भाई कौन हो तुम, कि महाराज आपने ऐलान करा रखा है कि जो चोर का पता बताएगा आधा राज्य में दूंगा और राजकुमारी की शादी भी उसके साथ करूंगा, कि हां भाई हां बताओ चोर कहां है, क्यों महाराज वो चोर मैं ही हूं। एकदम से महाराज को बड़ा गुस्सा आया और अपने सेनापति को कहा, क्या पकड़ लो इसे और सूली पर चढ़ा दो। तो उसने कहा कि देखो महाराज, आपने ऐलान करा रखा है कि आप आधा राज्य देंगे और अपनी बेटी की शादी मुझसे करेंगे, तो क्या शादी के पहले अपनी बेटी को विधवा करेंगे, क्या आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं करेंगे। राजा को एकदम से ख्याल आया, प्राण जाए पर वचन ना जाए, कहा नहीं छोड़ दो इसको, और उसको आधा राजपाट दे दिया, अपनी लड़की यानी कि राजकुमारी के साथ विवाह कराया और आराम से उस चोर ने अपनी बाकी की जिंदगी बिताई। अब आप देखिएगा कि केवल कितना सा समय लगा, यहां से अंगुली हटाई पांव तक अंगुली पहुंची, कांटा निकाला वापस अंगुली कान में गई, इतने से समय में सत्संग की जो बात उसने सुनी उससे उसको सूली, उसकी सूली टल गई, फांसी टल गई और उसे आधा राज पाट मिल गया, राजकुमारी से विवाह हो गया। इसलिए कहा जाता है कि सत्संग हर व्यक्ति को, हर मनुष्य को, किसी भी धर्म का वह क्यों ना हो, हमेशा सत्संग सुनना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। हमारा जीवन किस बात से बदल जाएगा अच्छे और सकारात्मक रूप में, कोई कुछ नहीं कह सकता है। मुझे उम्मीद है कि यह लघु कथा, इस लघु कथा से आपको कुछ ना कुछ अच्छा संदेश मिला होगा। जय श्री कृष्ण।